गुड इवनिंग, दिस इज दिलीप हर एंड वेलकम टू माई चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश पेडागॉजी एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश, दैट इज मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश शिक्षण के विधियाँ और इसके कुछ अप्रोच को पढ़ने की कोशिश करते हैं आज। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बाइलिंगुअल मेथड को। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सकेगा तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पे चलते हैं, किस तरह हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं इसको। हम देखते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है। बाइलिंगुअल मेथड ऐसी मेथड होती है, ऐसी विधि होती है कि जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक भाषा हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है जिसको हम सीख रहे होते हैं और दूसरी भाषा हमारी मातृभाषा होती है जिसके सहारे से हम उस टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। यही दो भाषाएँ होती हैं। ठीक, आपको अगर दो भाषाओं का ज्ञान है तो दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हो। एक तो वहाँ की मातृभाषा और दूसरी कोई भी भाषा हो आप सीख सकते हो अपनी मातृभाषा के सहारे। इतनी गारंटी करता हूँ, 100% के साथ कहता हूँ। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाई सीजे डॉटसन इन 1960। इस मेथड का जो डेवलप किया गया था वो कब किया गया था? 1960 में किया गया था। किसके द्वारा? सीजे डॉटसन के द्वारा किया गया था। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सीजे डॉटसन क्या करते थे? जब इंडिया वहाँ पे जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय क्या हुआ था, वहाँ पे अंग्रेज़ ज़्यादा थे और कुछ विद्यालय भी अंग्रेज ही जो ओपन करवाए थे, विद्यालय अंग्रेज ही ओपन करवाए थे। तो इसी में क्या था कि भारत के जो लोग थे वो हिंदी बोलते थे, उनकी मातृभाषा है, और वो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते थे। दूसरी लैंग्वेज मतलब भारत में हिंदी की लैंग्वेज थी, इंग्लिश को नहीं समझ सकते थे क्योंकि, और वो अंग्रेज़ चाहते थे कि ये जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के एक रूप में काम करे, और वो आज काम कर भी रही है। तो क्या करते थे, उन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसका नाम था बाइलिंगुअल मेथड। और इसके द्वारा क्या करते थे, इंडियन चिल्ड्रंस को क्या करते थे, इंग्लिश सिखाते थे। इज़ दैट क्लियर? तो इट वॉज डेवलप बाय द सीजे डॉटसन इन 1960। इस मेथड का जो प्रतिपादन किया गया था सीजे डॉटसन ने किया था वो 1960 में किया था। ओके, इन दिस इट इज मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। इट इज द मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। ये जो होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच के रास्ता है, इन दोनों रास्ते। देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या था, बालक को मातृभाषा प्रयोग करने का अलाउ नहीं था, वहाँ बालक मातृभाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता था, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में बालक मातृभाषा का प्रयोग करता था। इसलिए इन दोनों के बीच का जो रास्ता निकाला, किसने निकाला? सीजे डॉटसन ने निकाला। उन्होंने कहा, भाई आप लोग इस तरह से जो मेथड दिए हो ये कुछ सही नहीं लग रहा है हमें, हम दूसरे मेथड दे रहे हैं, बाइलिंगुअल मेथड। इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हो और टारगेट लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसे में आप दोनों भाषाओं को सीख जाओगे। इज दैट क्लियर? इन दिस मेथड ए स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस फर्स्ट। इस मेथड में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस बोला जाता है उसको पहले दो बार बोला जाता है, कोई स्टेटमेंट दिया जाता है उसको दो बार पहले बोल दिया जाता है इन टारगेट लैंग्वेज। किस भाषा में? जो भाषाएं हमें सीखनी रहती है। मान लो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में हम क्या कहना है, मैं कह रहा हूँ कि वह अमेरिका गया, इस तरह से कहेंगे ही वेंट टू अमेरिका। ओके, रुको एक मिनट, समझा रहे हैं। इन दिस मेथड स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस फर्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड में क्या होता है, जो आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो टारगेट लैंग्वेज में दो बार क्या किया जाएगा बोलने के लिए कह दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दस इस प्रकार इट इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। इसीलिए इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। किसको? इसको। क्यों? क्योंकि टारगेट लैंग्वेज मदर टंग इन सैंडविच। ओके, इन दिस मेथड ए स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस इन द फर्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज एंड देन इन द मदर टंग। पहले इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज को दो बार पहले बोल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको उसका ट्रांसलेशन मातृभाषा में किया जाता है। ठीक, इसीलिए इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। सैंडविच टेक्निक क्या कहते हैं? सैंडविच क्या होता है, सैंडविच में क्या होता है, दोनों ओर ब्रेड रहते हैं, इस साइड भी ब्रेड रहेगा, इस साइड भी ब्रेड में रहेगा, और बीच में जो रख दिया जाएगा उसको माल रख दिया जाएगा, बीच में जो टमाटर और प्याज और चटनी और जो भी सारी चीज़ फरते हैं सैंडविच में खाने के लिए, उस तरह ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में क्या हो जाएगा अपना माल मटेरियल। देखिए इस तरह से देखिए, ये जो है ये सैंडविच। ठीक,
इस तरह से बीच में अपने देखा ना जो माल मटेरियल भरा हुआ है वही अपनी मातृभाषा है हिंदी। ठीक, अगर हम कहें क्या कहें कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, ही बेंट टू, ही बेंट टू अमेरिका, अमेरिका। ठीक, नीचे भी हो जाएगा ही बेंट टू अमेरिका, अमेरिका। अब बीच में यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि वह अमेरिका गया, कहाँ गया, अमेरिका गया। देखो सैंडविच की तरह काम कर रहा है, जो बीच में माल मटेरियल भरा गया है सैंडविच की तरह, नीचे भी टारगेट लैंग्वेज, ऊपर भी टारगेट लैंग्वेज, बीच में हमारी मातृभाषा है। इसी तरह से इस मेथड का डेवलप किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर इससे ना समझ में आया तो अब बता दें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी बायलिंगुअल मेथड ही है। क्यों? क्योंकि हम तो लिखे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, क्या सॉरी व्हाइट बोर्ड पर हमने क्या लिखा है आपको, इंग्लिश में लिखा है, और हम आपको समझा रहे हैं वो हिंदी में समझा रहे हैं, दैट इज बायलिंगुअल मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा इट इज सुटेबल टू ऑल काइंड ऑफ स्कूल, रूरल और अर्बन, या सभी प्रकार के स्कूल के लिए, विद्यालयों के लिए उपयोगी है, चाहे वह शहरी विद्यालय हो और चाहे वह ग्रामीण का विद्यालय हो, चाहे वह गवर्नमेंट का विद्यालय हो, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे वह इंग्लिश मीडियम का विद्यालय हो और चाहे वह हिंदी मीडियम का विद्यालय हो। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जस्ट मिनट गाइज। अब बात करते हैं हम ALM की, बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आइडियो लिंगुअल मेथड। आइडियो लिंगुअल, लिंगुअल मेथड, इस मेथड का हम अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द आइडियो लिंगुअल मेथड? आइडियो लिंगुअल मेथड क्या होता था? इसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जो दूसरे देश के सैनिक थे वो दूसरे देश में युद्ध करने के लिए जाते थे, और ऐसे में क्या होता था, उन्हें प्रॉपर उस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता था, इसलिए वह कैसेट का यूज करते थे, आइडियो का, आइडियो सोर्स कान में लगा के आइडियो उसको, उस वहाँ की भाषा को सुनते थे और उसे प्रयोग करने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरे देश का भाषा नहीं जानेगा, वहाँ पर खाना कैसे खाएगा, पेट कैसे भरेगा, क्या बोलेगा, वहाँ पर क्या समझेगा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस मेथड का डेवलप किया गया था। किसका? आइडियो लिंगुअल मेथड का। इसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर, इसकी कुछ विशेषताएं क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी किस पे डेवलप है? व्यवहारात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान पे डेवलप है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज डन फॉर शॉर्ट टर्म। प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज डन फॉर शॉर्ट पीरियड। मटेरियल इज प्रेजेंटेड। पॉइंट नंबर थ्री क्या है? मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलॉग वोकैबुलरी इज लिमिटेड। पॉइंट नंबर फोर क्या है?
वोकैबुलरी इज लिमिटेड एंड लर्न इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, आइडियल लंदन का उपयोग कब किया गया था? वर्ल्ड वॉर के टाइम भी किया गया था, जब एक देश के सैनिक दूसरे देश में जाते थे युद्ध करने के लिए। उस समय उन्हें उस देश की भाषा को समझने की आवश्यकता पड़ रही थी, और वो क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि वो उस देश की भाषा को समझ सके, इसलिए काम चलाऊँ वहाँ की भाषा को समझ लिया जाता था थोड़ा बहुत, ठीक। तो इसलिए आइडियो लिंगुअल मेथड का डेवलप किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, या शिक्षा मनोज्ञान के व्यवहारात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। और प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज डन फॉर शॉर्ट पीरियड, इसमें जो प्रैक्टिस और ड्रिल कराई जाती है बहुत ही कम समय के लिए कराई जाती है, और उसी समय में उतने ही समय में उनको अपने काम चलाऊ भाषा को सीखना पड़ता है, किसको? सैनिक लोग को। ओके, एंड अब फिर देखते हैं, मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जो भी मटेरियल प्रेजेंट किया जाएगा सीखने वाले के सामने वह डायलॉग बातचीत के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई लिखने और समझने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता है। फिर बात करते हैं वोकैब इज लिमिटेड एंड लर्न इन कॉन्टेक्स्ट, और वोकैबुलरी को सामान्यतः कम वोकैबुलरी का प्रयोग किया जाता था, कम शब्दकोश का प्रयोग किया जाता था, और जो भी सीखा जाता उसके तर्क संगत में सीखा जाता था, उसके अनुसार सीखा जाता था, उस जहाँ जितना उनको जरूरत पड़ती थी। तो आई होप आज को समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे हम समझ पाएँ किस तरह से आपको मटेरियल प्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।